शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की संगठन से मांग करेंगे ताकि पार्टी में अनुशासन और ईमानदारी बनी रहे। उन्होंने रामपुर में कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद पत्रकारों को कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद स्तर तक कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी खड़े किए गए थे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी से जुड़े प्रत्याशियों की हार होती है तो उसमें कोई अन्य कारण नहीं बल्कि पार्टी से जुड़े लोगों का ही अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि कांग्रेस विचारधारा से जुड़े पंचायती राज संस्थाओं में जो लोग चुनकर आ रहे हैं उन पर भाजपा की ओर से विभिन्न प्रकार के दबाव बनाए जा रहे हैं। कर्मचारी परिवार से जुड़े लोगों को तबादले और कईयों को अवैध कब्जों को लेकर भाजपा के पक्ष में आने का दबाव बनाया जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं जिसके बारे में हमको सुनने को आया है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ पे एक और मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में ये डंडोरा पीट रहे हैं कि हम 80% जीत कर आए हैं, और जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त करी है वहाँ पर निजी हथकंडे अपनाकर और बैकडोर एंट्री करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से जो जीते हुए प्रत्याशी है उन पर जो दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है, या उनके परिवार के लोगों को कई, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उनको दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है कि आपको जो है भाजपा के कमेटी बनानी पड़ेगी वरना आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या उनके ऊपर जो है इनक्रोचमेंट के केसेस बनाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल सरकार का और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जो है सीधे तौर से दर्शाता है, और ऐसा नहीं है।